मधुबनी जिले में एक बार फिर से दिखी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही। विद्युत स्पर्शाघात के शिकार ने इलाज के अभाव में अस्पताल में ही तोड़ा दम। बाबू बरई थाना क्षेत्र की घटना, परिजनों के साथ आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर काटा बवाल। परिजनों का आरोप, बिजली करंट लगने से घायल मरीज आधा घंटा तक अस्पताल में तड़पता रहा। उस दौरान अस्पताल में सभी चिकित्सक और कर्मी थे गायब। मधुबनी जिले के बाबू बरई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विद्युत स्पर्शाघात के शिकार एक व्यक्ति को उनके परिजनों के द्वारा आपात स्थिति में अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति रहने के कारण समय से उस व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाया, जिसके कारण मरीज की मौत अस्पताल में ही हो गई। इधर अस्पताल में मरीज की मौत होने से परिजन आक्रोशित हो गए। नाराज परिजनों ने अस्पताल में ही हंगामा शुरू कर दिया। देखते देखते अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बाबू बरही बाजार में मुख्य सड़क को बांस पल्ले से जाम कर दिया। आपको बता दें कि रविवार की सुबह में बाबू बरही बगोट टोल निवासी 55 वर्षीय हेमनाथ ठाकुर बिजली की चपेट में आ गया, जिसे परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबू बरही इलाज हेतु लाया गया, जहां एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं था। इलाज नहीं होने से घायल की मौत अस्पताल में ही हो गई। परिजनों ने आरोप लगाते बताया कि जिस वक्त घायल को अस्पताल में ले जाया गया उस समय वह जीवित था। आधा घंटा तक डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे, जिस कारण उक्त व्यक्ति की मौत इलाज के बिना हो गई। नाराज परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। देखते देखते ग्रामीणों की भीड़ अस्पताल में इकट्ठा होने लगी। गुस्साए ग्रामीणों ने राजनगर खुटौना मुख्य मार्ग को बाबू बरही बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के पास बांस बल्ला से जाम कर दिया और अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टरों की बर्खास्तगी की मांग करने लगे। घंटों सड़क को ग्रामीणों ने जाम रखा। प्रशासन के पहल से जाम को हटाया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि कागजी प्रक्रिया के उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी राधा रमन ने बताया कि कबीर अंत्येष्टि हेतु तत्काल परिजन को पैसा दे दिया गया है, आगे के लाभ हेतु प्रक्रिया की जा रही है। इस संबंध में प्रभारी डॉक्टर SS मेहता से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बाबू बरही से ललित सिंह की रिपोर्ट।